स्टार्ट करें दोस्तों। चलो मैं तुमको कुछ चीजें समझाता हूँ ना, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू एडवांस के लिए। चालू करें? यस सर। अरे यार एक एक करके आते हैं, मैं इनको क्या करूं, बोलूं गालियां दूं और नीचे खाना खा लिया, हाँ सर। मार तो नहीं खाई। नहीं, इसकी फुल फॉर्म बताओ, होशियार बच्चों सारे। डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, जब सबसे पहले मेडिटेशन चालू किया था ना अपन ने, तो उस टाइम ना राजकोट में एक बच्चा था, अब तक का मतलब टॉपर की लिस्ट में है वो, उसका नाम था राज दत्रोजा, है ना। उसके ना जेई मेंस में 120 नंबर का पेपर होता था पहले, उसके पता कितने नंबर आए थे मैथ्स में? 105। हाँ, उसका एक क्वेश्चन गलत हुआ था, आदमी की अभी के 2 मिनट, 2 मिनट, 48 नहीं आया, 1000 का नहीं आया, 1000 का नहीं आया। रुक मैं देख के तो कौन से अकाउंट में किया, 338। अभी तक तो नहीं आया 7:11 पे। तो बेटा उसका पता है उस बच्चे का कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था इस टॉपिक पे? अब मैं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि जेई मेंस में बहुत जल्दी आ जाता है। उस भैया ने एनआईटी सीएस में एडमिशन ले लिया था, शायद तक उनका भी किसी कंपनी में 30-40 लाख का पैकेज लग चुका है। तो भैया से कभी बात करता हूँ आजकल मैं। चमकाऊ टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझाऊ अभी? Yes, sir. अब मेरी बात सुनना, थोड़ी चीजें सुनना। चलो पहले थोड़ा डिटेल में नहीं जाते, रटाफिकेशन वाला टॉपिक करते हैं। जहां पे सिग्मा लगा होगा वहां पे तुम्हारा भाई क्या कर देगा? इंटीग्रेशन। इतनी बात चमकती है? अभी क्या टॉपिक है मैं बताता हूँ, लेकिन पहले रटने वाले रट लेते हैं। जहां पे तुम्हारे भाई को आर बाय एन दिखेगा ना, वहां तुम्हारा भाई क्या लिख लेगा? एक्स। क्लियर? यस। और जहां पे तुम्हारे भाई को 1/n दिखेगा वहां पे तुम्हारा भाई क्या लिख लेगा? dx। और तुमने बोला सर क्या बकवास की, कुछ समझ में नहीं आया। बेटा जब मैंने तुमको फर्स्ट दिन डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया था ना, मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया था, याद हो? मैंने बोला था इसको लिमिट के सम में भी लिख सकते हैं। वो फर्स्ट याद है, वो मैंने बोला था कि x स्क्वायर का निकालो 5 करके, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखे थे मैंने, ध्यान देखोगे तो याद हो तो। और उस दिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, b माइनस ए बाई एन, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा था। जिनके जिनको नहीं भी याद कोई टेंशन मत लेना, ये एक्सप्रेशन दिखने में भारी है। अब पीयूष बोला कि सर क्या क्या हो क्या गया, मुझे समझाओ ना एक बार। अब पीयूष ने देखो, अब ये जो सिग्मा है ना ओ किसे रिप्लेस कर दिया? इंटीग्रेशन के साइन से। इंटीग्रेशन के साइन से। और बी माइनस ए तो पीयूष ने ऐसे एज इट इज रखा। 1/n किसे रिप्लेस कर दिया? dx से। समझ में आ रहा है मैं क्या चलाना चाह रहा हूँ? Yes, sir. और ये लिखो f into r by n, r by n की जगह पीछे किसे रिप्लेस कर दिया? x से। अभी थोड़ी रटनी है, r वो यूज्ड हो जाओगे। और b माइनस और into में साथ में क्या? b माइनस से। और आई थिंक तुमको इतना फंडामेंटल क्लियर है ना? Yes, sir. और अभी तुम्हारा भाई ना कुछ वो प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा है, और लिमिट अच्छा लिमिट पे भी सोचो, ये लिमिट कितनी है? लोअर लिमिट कितनी है? जीरो। जीरो, हाँ सर। अब लिमिट का रखना सीखो पहले मेरे से ना। लिमिट में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें याद है h का फॉर्मूला क्या होता था? वो b माइनस इक्वल टू नच बल्ली होता था, कुछ ऐसा बोलता था मैं। हाँ सर। अब बताओ मुझे लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी है? जीरो। तो अब लिमिट रखनी कैसी है? जीरो लोअर लिमिट अपॉन में एन। जीरो बाय एन कितना होता है? जीरो। और अपर लिमिट बाय एन कर दो वन।
यहां तक क्लियर? हाँ। अब सर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं, सर चाह रहे थे कोई कोई शिफ्टिंग कर सके तो क्या करे सर, इस पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे तो सर के दिमाग में कितना शिफ्ट करे कि यहाँ पे ए प्लस एक्स आ जाए। सर ने क्या किया, लिमिट में क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे चाहिए ए प्लस एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कितना मुझे ऐड करना पड़ेगा, सोचो बी माइनस ए कर दूं क्या? कंप्रेशन का क्या फर्क पड़ता है, कंप्रेशन लगाएं तो रुको मैं, मुझे ना यहाँ पे ना ऐसा ये बी माइनस ए नहीं चाहिए, तो पंकज सर को बी माइनस ए नहीं चाहिए, तो पंकज सर ने क्या दिमाग लगाया, मुझे सोचने दो क्योंकि मैं प्रूफ सोचो सोचो मुझे, चलो ऐसा करता हूँ ना मैं लिमिट में ना बी माइनस ए माइनस कर रहा हूँ, जहां जहां एक्स है ना वहां मैंने क्या कर दिया, एक्स में से माइनस मुझे ये चाहिए, मैंने एक्स में से माइनस क्या कर दिया, बी माइनस ए कंप्रेशन, अपने प्रॉपर्टी क्या थी याद है ना किसी को, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यदि मुझे कुछ माइनस करना है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना मेरे को जो लुक चाहिए ना वो एक्सप्रेशन का ये चाहिए, ये वाला लुक चाहिए, a माइनस b ऐड करेंगे, a माइनस b ऐड करेंगे तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, नहीं 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 पहले ये चाहिए, पहले a सबट्रैक्ट करेंगे फिर डिवाइड करेंगे फिर ऐड, ऐसा करते ना पहले a a सबट्रैक्ट कर दूं क्या, हां a सबट्रैक्ट करो तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐड 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 a से प्लस, और ये कितना हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ए से कंप्रेस, अब कंप्रेस करेंगे तो ये लिमिट मेरी बिगड़ क्यों, लिमिट मेरी इतनी गंदी सी शक्ल वाली क्यों आ गई है, मुझे क्या लगता है मैं भी बेवकूफ इंसान हूँ, बी माइनस ए को टी ना मान लेना चाहिए, ठीक है रुको मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, आई थिंक b माइनस ए को मैंने कुछ मान लेता हूँ, t मान लिया, अरे ये तो कैसे क्या t मान रहा हूँ, इंटू एक्स को t मान लिया, ठीक है अब सही है, तो dx into b माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा बेटा सोचो, अभी मैंने तो ये एक्सप्रेशन मेरे लिए t है और ये वाला बेटा क्या हो जाएगा, dt तो तुमने तो तुमने बोला एफ ए प्लस टी डी टी, लिमिट कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट वन है ना, माइनस ए हो जाएगी, तो बी माइनस ए, यहाँ तो किसी को कोई तकलीफ हुई बेटा, नहीं सर, अब जुगल बोलता है कि सर मुझे पता कि आप मुझे यहाँ पे ना पंकज सर ना यहाँ पे सिर्फ क्योंकि स्टार्ट ये ए से बी देखना चाह रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो पंकज सर ने क्या किया दोनों तरफ ए ऐड कर दूं, और यहाँ से ए माइनस कर दूं, तो किसी ने बुद्धि वापरी, a से b f of a से हो गया ना प्रूफ, हाँ ये देखो ये आ गया ना सेम, अब तुम बोलो सर इतनी बकवास याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, ये मैं सिर्फ जस्ट अपनी वो ज्ञान ढोलने के लिए बताया है, अदरवाइज तुमको याद क्या करना है, r by n की जगह रिप्लेस किसको करना है, याद कर लो, मैं दो बार पूछूंगा, 1 by n की जगह रिप्लेस किससे करना है बेटा, dx सिग्मा की जगह से इंटीग्रेशन का साइन, और लिमिट का भी मैं जस्ट क्वेश्चन से क्लियर करवा देता हूँ, क्वेश्चन से कैसे तुमको क्लियर करना, लिमिट में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है, यहाँ तो कोई तकलीफ हुई नहीं, अब तुमने बोला सर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताओ, देखो बेटा जब ये क्वेश्चन आएंगे ना तो तुमको आधे से बच्चों को पता क्या लगेगा, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का आ गया, लिमिट और जो राज अतरोजा बच्चा था ना उसने सारे लिमिट के फंडे यूज कर लिए, तो सर क्वेश्चन समझ, देखो ऐसा तुमको सैंडविच थ्योरम से भी मिले होंगे ऐसे क्वेश्चन, तुम्हारी लिमिट स्ट्रॉन्ग थी ना, मैंने बोला था लिमिट एक बार और भी पढ़ेंगे अपन, देखो बेटा ये बहुत सारे टर्म का सामने लिखा हुआ, सोचो एक बार सर, तो अमन बोलता है कि ये सर इतनी टर्म लिखने के बजाय आप क्या यूज करोगे, समेशन, अमन आज टर्म बताएगा बेटा कितनी होगी,
अर्थ टर्म एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हाँ एन स्क्वायर अपॉन में कितना प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और आर की वैल्यू 1 से लेके कहां तक गई अमन एन माइनस 1 देखो अमन ने ये बता दिया ठीक है अब देखो लिमिट वाला चैप्टर से करोगे ना तो तुमसे होगा ही नहीं अब अमन को डायलॉग याद आ रहा है अमन को 1/n चाहिए और r by n चाहिए है ना अमन हाँ सर तो अमन पर कॉमन हाँ अमन r by n चाहता तो अमन यहाँ से बाहर क्या निकालेगा r by n से n square बाहर निकालेगा n square हाँ सर और बाहर निकल के क्या आएगा बेटा n cube तो बन जाएगा 1/n तो बेटा किस दिन मैम को बुलाए तुम्हारी क्लास में आज बुला लो तो आज भी बुला लो वरना आप चुप कहो तुम तो चुप चुप बैठे हो तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी आवाज ही तुम दो तीन के अलावा आवाज ही नहीं आती सो जाते हैं क्या सब लोग उठ जाओ रे ये समझ में आया मैंने क्या किया बेटा यहाँ से एन बार निकाला अब तुमको पता है कि पंकज सर की आदतें पंकज सर की आदतें सबकी होती हैं क्यों मैं अपना नाम बदनाम करो सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन 1/n की जगह सर ने क्या टिकाया dx अभी मैं तुमसे इनडेफिनेट की स्किल पूछूंगा ध्यान रखना r / n की जगह सर ने क्या यूज किया x और अब लिमिट कर देखना सीखो एक बार ये 1 है लोअर लिमिट बाय n करो और लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी लिखा करो तो कितना आंसर आया जीरो जीरो अपर लिमिट बाय n करो फिर लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी कर दो 1 आएगा जिनको नहीं आता वो एलोपिटल लगा ले या ऐसे कर ले 1 - 1/n लिमिट का तरीका समझ में आया अच्छा अब ये पूरा सवाल एक इंटीग्रेशन का बन गया अब इंटीग्रेशन में वो कोई प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं जीरो से आप वाली प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ अब मुझे बताओ कि दो तरीकों से सॉल्व कर सकते सवाल इनडेफिनेट से बताओ कौन कौन सा तरीका x स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो शाबाश एक तरीका दूसरा जो जनरल तरीका जो नॉर्मल टीचर सोच सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर देखते हैं दिमाग में क्या आता है तो मुझे बताओ तुम्हारे सर क्या कौन सा इजी रहेगा x स्क्वायर बाहर निकालना सालो उल्टा बोला करो ना तुम आई थिंक तुमने बुद्धि वापरी कि सर ने यहाँ पे देखो सर ने यहाँ पे x को बाहर निकाला बाहर निकल के क्या आया x क्यूब तो मैं चलो थोड़ा पेन चला देता हूँ लेकिन मैं चाहता नहीं था तुम ये करो अंदर वाले डेरिवेटिव कितना हुआ बेटा लो 0 से 1 dx या x क्यूब बाहर निकल गया अंदर वाला क्या बनेगा 1 + 1/2 की पावर कितना 3/2 अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना था -2/x³ होता तो ये क्या बन गया dt / t की पावर 3/2 तो बट कितना हो जाएगा पूरा नीचे रूट में 1/(1+x²) और आ गया तो उसकी पावर हाफ नहीं हो जाएगा क्या हां सर -2/(-2/3√1+x²) यार इंटीग्रेशन सही करो मेरा दिल तोड़ रहे हो तुम लोग मुझे फाइनल एक सिंपलीफाई आंसर बताओ कितना आएगा भाई जिनको नहीं आ रहा वो लंबे देखो उसको टी माने और जो मैं तरीके से कर सकते ये dt होगा dt / t की पावर 3/2 क्या होगा सोचो t की पावर 1/2 कट जाएगा मेरे हिसाब से -1/2 ये वाला 1/3 + 1/x² का रूट ये कुछ सही आवाज आई है मुझे लगता है वन अरे समझ में आ रहा पंकज सर कैसे कर रहे हैं इसको टी माना हां तो ये शायद और ये कट जा रहेगा मुझे लगता है ये आना चाहिए 1/(1/x² का हाफ और लिमिट कितनी है 0 से 1 और जैसे तुम 0 से 1 रखोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1 रखोगे तो बेटा 1 आई थिंक लोअर लिमिट का कितना आ रहा है कोई गलती की मैंने नहीं नहीं सही है ना 0 लोअर पे 0 आ जाएगा क्योंकि वो x ये हो गया ना x / में क्या हो गया 1/ आंसर हो गया 1/√2 नहीं आएगा आंसर तो वो तुम ना जितने भी तुम लिमिट के मेथड यूज लगाने बैठ जाओगे ना
तुम जब तुमको ऐसे लिमिट का बहुत सारे लिमिट लगे सीरीज का सम दिखे, या तो वो सवाल सैंडविच से होगा या फिर किससे होगा, इंटीग्रेशन से। अब ये बस इतनी थ्योरी लिख लो और इधर मैं इतना लिखवा दूं क्या, अपर लिमिट इज इक्वल टू क्या, अपर लिमिट बाय एन और लिमिट क्या लगा दूं, चमक गया इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लिमिट अप एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अपर लिमिट बाय एन, लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, थ्योरी लिख लो, पक्का मिलने वाले हैं। तुम अभी मॉक टेस्ट दोगे ना बहुत सारे, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बार बार जेई मेंस में ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, फटाफट लिखो जितनी फास्ट लिख सकते हो। और ये अब तक हाईएस्ट स्कोर है मेडिटी में मैथ्स का, पहले साल ही मिल गया था, उसके बाद लेकिन उसके केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या थे, डावाडोल थे, मतलब इतने कम भी नहीं थे। तो तुमने मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो उतना करो, नहीं तो तीनों करो। और निश्चय यस सर, कल काम वर्क कर लिया तुमने एग्जाम्पलर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया, तो सुबह अपने 5 फॉर्मूला लगा ले पाया था ना, उससे ही हो गया, तो पूरे पूरे नहीं किया। खाना खा ली तुमने क्षितिज बेटा? नहीं सर। साले तेरे घर में खाना बनता भी नहीं, बनता बनता है ना सर, मम्मी पास में तो नहीं है ना, मेरे को कहीं पीटीएम में मेरे को ले ले नहीं नहीं सर, हेलो हेलो, पंकज सर की आवाज आ रही है बेटा? यस सर। पंकज सर कहीं गायब हो गए थे क्या? नोट कर लिए बेटा ये आइटम? यस सर। तो आगे अगले वाले पेज पे जा रहा था क्वेश्चन लिखने के लिए, डन ना सबका ये 5 पॉइंट? यस सर। ये लो पहला क्वेश्चन लिखो इस पे, कल अपने क्या डिस्कस होगी बेटा? एक्सरसाइज 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन की ना? यस सर। तुम्हारा स्कूल नहीं था, तुम सुबह कितने बजे उठते हो रे, जिनका स्कूल नहीं होता सुबह, डमी वालों को छोड़ के? अमन कितने बजे उठता है? मेरा तो स्कूल होता है सर, तो 6 बजे उठता हूं। आज था, आज स्कूल गया था? हाँ सर। मैम ने क्या पढ़ाया आज? मैम ने वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया अंडर कर्व निकालना होता ना, वो मैम के, मैम को बोला नहीं कि आप आईपैड से क्यों पढ़ाते हैं आजकल? आईपैड से पढ़ा रहे थे आज भी, समझ गए थे जो भी। अच्छा वो ऑनलाइन भी दोनों ऐसा होता क्या?
मनोज थे और आज स्टूडेंट्स कम थे तो सबको बुला लिया आईपैड के पास और उसी में पढ़ा रहे। तो टिक के बैठ गया था? हाँ सर, थोड़े कीड़े की है पर फिर बैठ गया। मेरा दोस्त इजान, नहीं इजान आया अभी? हाँ सर। इजान तुम्हारा, तुम्हारे बेबी का क्या, सॉरी क्या बोलो अभी, ये तेरे को इजू बेबी मैम सही में ऐसे बुलाते हैं? मैं मुझे लगा मजाक करते हैं, बुलाते हैं कभी कभी। तो फिर तो क्या बुलाता आगे? मैं कुछ नहीं बुलाता फिर आगे। सीधा बच्चा रे, लिख लिया दोस्तों सबने? मुझे लगता डन ना। यस सर, यस सर। मेरे को चिन्मय ने डन बोल दिया, इसका मतलब यस। तीन दो पांच ऐसा नहीं चाहिए, दो हैं अभी तो। चलो तुम पूरी क्लास में बोल देना पांच ऐसा ना। यस सर, यस। तीन चार, ये रिपीट नहीं हुआ यस सर ये वाला? यस सर, ये रिपीट हुआ देख। नहीं आपने पूछा ना, रिपीट हुआ उसका यस सर बोला। चीन में कल बहुत आरामी आग लगाने आ रहा है सर, उनका पेपर नहीं हुआ अभी तक। तेरे को भी उधर कुछ क्लास में जाके बैठना था बेटा, लेकिन चीन में लड़कों वाली क्लास में नहीं बैठता तू। अरे अब चीन में बोला सर ये सवाल करने की जिम्मेदारी मेरे को दो, मैं लिखते ही आठ टर्म तो बता ही देता हूँ, अभी आप बढ़ो ना बढ़ो। n plus r upon n square plus r square. वो देखो ये चिन्मय ने बुद्धि वापरी, तो चिन्मय ने r टर्म बिल्कुल सही बताई। क्या n plus r upon में क्या n square plus r square? अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मुझे बताएं कि r की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। आपने लास्ट में क्या लिखा है? वो 3/5 n, 3/5 n। पढ़ने वाले बच्चे सब बता देते हैं। चलो इतने तुम्हारी ऐड कर दो r के लिए 1 r के लिए 1 से जा रही है, लेकिन r के लिए लास्ट कितनी होगी? 2n सर, 2 बिल्कुल सही। 2n रख, इसमें रख 2n, बिल्कुल सही है ना। 2n plus n 3n, 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर नो बेटा 5n स्क्वायर, एक n कर गया। समझ में आ गया सबको? यस सर। निश्चय बोला कि सर अभी तो ना मुझे अब सपनों में दे दो। निश्चय सिग्मा की जगह क्या लगाएगा बताओ? इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का साइन। अच्छा लेकिन निश्चय बोला सर पहले वो आपको फील ले आओ कि वो मेरे को r / n देखने की इच्छा है, तो निश्चय यहां से कॉमन क्या निकालेगा r / n के लिए n, और यहाँ से बाहर क्या निकालेगा? n स्क्वायर, और इधर से जो बाहर n आए और इधर से बाहर n स्क्वायर आए, तुमको 1/n बचेगा तो dx भी बन जाएगा। तुमको लगता है निश्चय डेढ़ होशियार हो रहा आजकल? सही तो है वैसे। निश्चय बोला सर आप इंटीग्रेशन मेरे से करवाना, नहीं तो आप मेरी बेइज्जती करना। निश्चय डन सही है बेटा? यस सर। अब निश्चय बोला सर अब आ जाओ दारू पीते हैं, सॉरी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ना। इंटीग्रेशन की जगह सर ने क्या डाला? सिग्मा की जगह क्या डाला सर ने? इंटीग्रेशन। ये कोई भी ये गदा प्रसाद क्या डालेगा 1/n की जगह बेटा? डी। और आर बाय एन की जगह क्या डालेगा? एक्स। लिमिट कोई बताएगा? लिमिट जीरो से। हाँ देखो लोअर लिमिट बाय एन एन टेंड टू इनफिनिटी, ये 1/n एन टेंड टू इनफिनिटी जीरो हो गया। अपर लिमिट बाय एन तो 2n बाय एन 2। अब तो निश्चय बोला सर मैं तो इंटीग्रेशन का आंसर करके आपको सारी लास्ट का आंसर बता रहा हूँ। निश्चय ने ओरली सब सवाल चल रहा है, बताओ क्या आंसर आएगा, कोई बताएगा फाइनल आंसर बिना पेंसिल? लेकिन चलो tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 2 आएगा ये तो मुझे। हाँ और साथ में क्या आएगा? प्लस हाफ ln phi। शाबाश बिल्कुल सही, देखो अभी चमक रहा है ये। tan इनवर्स x का लिमिट डाल दी। हाँ
और जिनको इंटीग्रेशन की डिवीजन चाहिए ये लोग कर दिया f डैश बाय x पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया f डैश बाय fx log fx प्लस आई थिंक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया हां फिल इन अब तुम सोचो यदि तुम लिमिट के तरीके से करोगे कभी ऐसा आंसर आ पाएंगे क्या tan inverse 2 है ना ये वेरिएबल नहीं ब्रो डन अब तुमको लगता नहीं कि अगला क्वेश्चन मैंने को तुमको करवाने देना चाहिए अमन तूने पटाखे चलाए नहीं चलाए थे चलाए थे हाँ सर चलाए थे कितने चलाए थोड़े बहुत बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं निश्चय तूने नहीं सर ना सीधा क्यों बनता रहे स्टार्टिंग से ही नहीं पड़ता बेटा कभी कमाना ना कुछ काम जवानी में करने पड़ते हैं कोई जो बिल्कुल भी नहीं चला बिल्कुल भी नहीं सारे इसी कैटेगरी के बिल्कुल भी नहीं किया तूने बिल्कुल भी पटाखे चलाए चिन में नहीं सर मैं तो सिक्स एक दिन डिबेट कर दिया था मैंने एक दिन डिबेट कराएंगे क्या पटाखे जलाना सही है गलत है तो गलत नहीं वो तो मेरे को नहीं 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 अब गलत वाले कौन है ताकि मैं कभी नहीं है सर आपके सामने कौन बोलेगा अभी नहीं नहीं मैं न्यूट्रल हूँ मेरे को दोनों व्यू सुनने लेकिन स्ट्रॉन्गली रखने आने चाहिए अमन तो किस में आवाज नहीं है इधर ही हर बार ऐसा चलाना चाहिए हाँ तो तेरे मतलब तू इसमें की चलाने चाहिए ना हाँ सच हाँ अब अमन को अपोज करने वाला कोई स्ट्रॉन्ग आवाज है अपनी क्लास में अरे कोई तो आ जाओ चाहे फेवर में क्यों ना हो अब भाई बीजेपी अच्छा काम करे लेकिन कांग्रेस वाले ये थोड़ी बोलेंगे कि अच्छा काम करो कोई नहीं अमन के फेवर में हाँ ऑपोजिट सॉरी लिख लिए सवाल दोस्तों यस सर फेवर में है जुगल है मेरा फेवर में हाँ फेवर में तो मैं भी हूँ तो फेवर में कौन नहीं वो मैं जानना चाहता हूँ और स्ट्रॉन्गली आवाज रख सके कोई नहीं है अरे पता ले तुम मेरे पे खड़ा कर दो ऑपोजिट में सर आपने फोड़े थे क्या हाँ मैंने थोड़े तो फोड़े थे निशा तू जानना चाहता था नहीं फोड़े तो तू मेरे साइड हो जाता ना नहीं नहीं ये वो पूछ रहा था आपने बम फोड़े कि नहीं जेडी सर ने फोड़े होंगे वो मेरी थोड़ी फटती है उनसे मतलब जेडी सर से नहीं बम से लिख लिया दोस्तों ये क्वेश्चन टू अब बेटा ये तुम खुद से ट्राई करोगे ना मेरा दिल खुश हो जाएगा कि तुम्हारे फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है तुम काफी दिन से मुझे बोलते रहे तुम्हें मैथ्स में किस चैप्टर की रिवीजन करनी थी अभी आजकल बोल रहे थे कुछ बच्चे मेरे को पीएमसी आई नो मी ये लो पहले तो मुझे 2n cn खोल के दिखाओ तुम्हें खोलना आता नहीं आता ncr कैसे खोलते थे बोलो ये सेम क्वेश्चन ना बाइनोमियल की शीट में भी है आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है बोलो निश्चय से 1 plus x raise to 2 n में से जो n पावर का वो तो 2 n cn में तो सही है ऊपर 1 by n भी है तो है ना आई थिंक तुम 2 n cn खोल सकते हो क्या 2 n cn को बेटा अरे
इसको कोई तो बोलो एनसीआर का एक्सपेंशन, अरे 5C3 तुम कैसे खोलते थे बचपन में, 5 4 3 ऐसे करते हो ना, मैं बोल रहा हूं ऐसे वाला। तो 2 2 एनसीआर को कैसे खोलोगे बेटा, 2n factorial upon n factorial वाह ये वैशाली मैम वाली बात तू कब से मैथमेटिक्स में करने लग गया रे, जब मैं 2n से लेकर n plus 1 तक और फिर n से लेकर 1 ये मैं ऐसा नहीं ऐसे तो मैं ये ना बोल देता तेरे को, अरे तो ठीक है लगा वो पूछ चलेगा। हां अब बता कितना नीचे कितना आएगा, n से लेकर 1 तक ये आएगा नीचे, हां और ऊपर क्या आएगा 2n से लेके n plus n plus n plus खोलने का तरीका नहीं समझ में तो मेरे से पूछ सकता बेटा, यहां तक किसी को टेंशन सर। निश्चय बोला सर आप चार अक्षर वाले इंसान हो, आप अभी तक तो समेशन का पढ़ा रहे थे, अभी आपने ये सवाल किस में दे दिया एग्जैक्ट प्रोडक्ट में, और ये ऐसा सिंबल तुमको मुझे लगता है कि लास्ट ईयर बेसिक मैथ्स में बहुत बार यूज हुआ होगा, r + r / r की पावर n/1 ऐसा हुआ सबको, इतना फंडा क्लियर है हाँ। लेकिन तुमको तो पंकज सर ने क्या पढ़ाया था समेशन का, सर ने क्या ले लिया यहाँ पे प्रोडक्ट, तुमने बोला कि सर लग गए हैं लेकिन बोला सर हम भी आराम ही है, यदि आप दोनों तरफ लोग ले लोगे तो 1/n नीचे नहीं कूद जाएगा, सोचो एक बार और लोग के अंदर जो ये प्रोडक्ट वाली चीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी सारी, मेरी डायलॉग समझ में आ रहा है तुमको, सर। तो तुमने बोला कि सर आप दोनों तरफ लोग लोगे और आप बहुत हरामी हो और लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल ही रहा था, इधर मैं लिख ही देता हूँ, तुमने 2NCN को खोले ना और समेशन ये 1/n आगे कूद गया, LN के अंदर क्या चला गया n/r + 1 लिमिट, अच्छा तुमने बोला सर ये लिमिट भी हम बता सकते हैं, आर की वैल्यू 1 से लेकर अभी तक कहां से थे 1, इतना सबको समझ में आया बेटा। अब मुझे बताओ, अब तो निश्चय वाली बर्बादी पे आ जाओ, निश्चय क्या बोलता है सर आपकी आदतें पता है, समेशन देखते आप क्या करते हो, वन बाय एन देखते, पंकज सर क्या करते हैं dx और r/n x होता है तो n/r कितना हो जाएगा 1/x, लिमिट देखो 1/n n टेंडिंग टू इनफिनिटी है 0 से 1 और n/n कितना हो बेटा 1 और लेफ्ट और कुछ बच्चे ना बावले हो जाते हैं, ध्यान रखना लेफ्ट में ln चल रहा है, log l चल रहा है ना, और अपने को आंसर लिमिट में l निकालना है, ऑप्शन में l log l। अब मुझे बताओ नमन बोल रहा सॉरी नमन बोलता है कि सर ये तो मेरे बस की बात है, मैंने बोला कैसे, बोला सर ये तो मैं बायां से कर देता हूं, नमन ने क्या किया सोचो एक बार, ये कैसे कर दी नमन ने, समझ में आया सबको, और एलसीएम लिया 1 + x / ln a / b कर दिया, और आई थिंक 0 से 1 ln 1 + x - 0 से 1 ln x dx। नमन बोला सर ln 1 + x का इंटीग्रेशन मजा नहीं आता, आप वो शिफ्टिंग कर दो -1 कर दो, इसके अंदर -1 कर दो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा लिमिट में ऐड करना पड़ेगा 1 से 2 ln x dx - 0 से 1 ln x dx, सबको क्लियर चल रहे yes. अब जो एडवांस वाले बच्चे हो बोले लोग इसका तो इंटीग्रेशन में रट रखा है x ln x - x होता है, ये बोलना चाह रहे ना वो सर x log x - x होता है, बोला लिमिट रख दो मन में सर 2 log 2 - 2 और 1 हाँ तो ये आई थिंक मैं 2 log 2 ओवरऑल -1 आ जाएगा, लिमिट रख दी ना, इसमें क्या होता है x ln x - x होता है, अरे रखो लिमिट कितनी आ रही 0 से 1, ये पहले डिस्कस हो चुके कहीं ना कहीं 0 से 1, लोअर अपर लिमिट तो 1 आ गई, लोअर लिमिट कितनी आ रही है वो एल ऑर्बिटल से, अरे इसका कितना आई थिंक एक बार करके दिखाओ x ln x - x लोअर लिमिट क्या है 0 से 1, अपर लिमिट तो होगी 1 ln 1 0 - 1 आ गई ना, तो ये तो सही, यहां तक किसी को कोई तकलीफ
और लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी? लोअर लिमिट आई थिंक जीरो ही आ जाएगी, रखोगे ना ये जीरो इंटू इन्फिनिटी, तुमको पता है कैसे करेंगे सर? पहले लोपिटल लगाएंगे। और ये ओवरऑल कितना आ गया? ये टू लॉग टू एल एन फोर लिख दिया और वन वन कट गया, सोचो तो लिमिट का आंसर कितना आ गया? फोर। फोर। अब पता है एक बार जेई मेंस की बताता हूँ, जेई मेंस में ना एक साल उन्होंने क्या बोला, एक साल ऐसे दे दिया फाइंड एल, तो ऑप्शन में दे रखा था क्या दे रखा था? एल एन फोर दे रखा था, क्या दे रखा था? फोर। सी में जीरो और डी में कुछ भी दे रखा था। तो मोस्टली बच्चे फटाफट पेपर के प्रश्न में क्या टिक करके आएंगे? ये इस साल दिया ना उन्होंने, अगले साल पता क्या मजे ले लिए, ऐसा लिख के ना देन फाइंड एल एन एल, जो डेड होशियार होते हैं ना, तो क्वेश्चन करने के बाद एक बार पढ़ लेना, ये इतना टफ नहीं है जो थर्ड की ना, वो कैसे क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट सेकंड जैसे। क्लियर है दोस्तों? यस सर। अभी मैं दो तीन और कराता, दोस्तों लिख लिया। कौन से गाने पे किया होगा? तुक्का मार जो आप गा रहे थे उसे ये छुकर वाला। छुकर नहीं, उससे पहले मैं कौन से क्लास में गाता था? वो राजा, वो राता लम्बिया वाला। हाँ देख, किसी को डांस सीखना मैं सिखा दूंगा बेटा, ठीक है? कपल डांस फिर कैसे? जुगल को जरूरत पड़ेगी अभी, चिन्मय का तो जरूरत पड़ चुकी है अभी, आवाज नहीं है किसी को, बाकी निश्चय निश्चय को तो प्रो है उसमें। आपसे सीखा है सर। तो बेटा अभी तो आया था, तो कल मिलेगा ना मुझे मेरे डैडी में, तो साले मेरे से सीख के फिर यूज करेंगे ये तो बता। नहीं नहीं सर, अभी वेट ही कर रहा हूँ यूज करने की। तू बोल तो क्लास में मैं पैर बना देता हूँ। नहीं नहीं इतनी जल्दी भी नहीं, आराम से। दोस्तों लिख लिया सर, अपनी स्पीड थोड़ी कम नहीं होगी? डन डन सर लिख लिया। अभी मेरे को दामन डेट के लिए जगह बता रहा था, बोला वैसे जामनगर में है नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा एक आधी। वो नया कैफे खुला है ना जामनगर सोशल। अरे वो मैं क्या बोलूं, अभी मेरा रिव्यू पे कर कोई गया क्या? किसी के दोस्त वोस्त का तो नहीं है? दिल पे मत ले लेना। मैं तो गया था वो पिंकिश कलर की लाइट लगा के, वो सेल्फी एक बार जा सकते हो। अपन एक कैफे खोले जहां पे पढ़ने वाले बच्चे हैं। सर ये तो जैसे अमन जैसे लोग भी थोड़ी आशिकी कर सके, ऐसा कैफे है। आई थिंक अब मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। अरे आर बाई एन और के बाई एन में सर तो समझ में आ गया ना, वो एक ही बात है ना। अमन बोला कि सर, अमन बोला सर मैं आपसे दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि ये आर बाई एन तो दिख गया, अमन को क्या नहीं दिख रहा? वन बाई एन। और अमन की लिमिट भी स्ट्रोंग है, यदि वो वन बाई एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, सोचो एक बार
ये लिमिट का आंसर कोई बताएगा जिसको मैंने लिमिट पढ़ा रखी है? One. अरे टेन इनवर्स x बाय x क्या है? One होता है। तो तुमने बोला सर एक दुख से दो इलाज कर रहे हो आप, आपने क्या किया वन बाय एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सोचो एक बार, और समेशन के अंदर कर सकते हो क्योंकि समेशन तो k वेरिएबल पे लगा हुआ ना, और लिमिट एंड एंडिंग टू इनफिनिटी, तो ये वाला एक्सप्रेशन पूरा कितना हो जाएगा गोल? One. और नीचे बोला सर अगला तो मेरा सब्जेक्ट आ गया, समेशन की जगह आप इंटीग्रेशन यूज करोगे, वन बाय एन की जगह यूज क्या करोगे आप? dx। और r बाय एन या k बाय एन एक तो बात है, तो ये कितना होगा? 10x। 10x लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 बाय एन एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी आई थिंक 0, और n बाय एन कितना हो गया? अब मुझे कोई ये ना 7.2 के वो योग डेंसिटी का सवाल है, इनको साइन बाय cos लिख के नीचे आने। चलो निश्चित इतना बोलते तो ना मैं मान रहा हूँ, देखो 10 को साइन बाय कॉस लिख दिया, सबको समझ में आ रहा है इतना स्टेप? अच्छा इसके बाद कोई स्टेप बताए तो मजा भी आए सुनने में। वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, देखो अभी ये पीयूष जुगल अमन ये ना ध्यान ना बोर्ड में से हम इंटीग्रेशन आएंगे, तो 2 से क्या करने का बेटा? मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस साइन एक्स। देखो ये बोर्ड में रटे होने का कितना फायदा होता है ना, अभी भी वो कोट। अमन क्लियर है ये? अमन देख अभी मैं अपना आदत बताता हूँ, ये वाला पंकज सर को दिख जाता ना ऐसे, तो पंकज सर क्या करते ऊपर नीचे क्या करते थे, वो 10x by half angle में ले जाते, sinus क्या ले सकते हैं 10x to 10x by 2 1 या फिर या ऊपर नीचे 1 minus sin से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है? हाँ सर। और 1 plus cos x दिख जाए तो या तो rationalization कर दे या फिर इसका तो formula भी लगा सकता है 2 cos कर x by 2 सोच। हाँ सर। और 1 प्लस 10 दिख जाए ना तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही पड़ेगा, उसका फायदा क्या होगा कोई बताएगा? इसका आंसर 1 हो गया, लिमिट का आंसर और वो डेरिवेटिव बट वो डेरिवेटिव और ln cos x - sin x हो गया, और उसमें वैल्यू रख दी cos 1 + sin 1, ये आंसर आ गया। चमका सर। हां सर, एक क्वेश्चन और पेंडिंग है, मैं 5 कराऊंगा इस टॉपिक पे, तो अब तुमको मेंस में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। वैसे बताओ ना मेंस का डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो गया, कल से जो पढ़ेंगे वो प्रॉपरली किसका इंटीग्रेशन है? एडवांस। लेकिन वो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मेंस वाले भी पेपर कहीं से कॉपी मंगवा लेते होंगे, भाई 5-10 क्वेश्चन हमको भी दे दो जिससे हमारे पेपर का लेवल। बच्चे बोले कि मेंस तो क्या हो गया एडवांस। क्या क्या तुम बोलते हैं सर पेपर बहुत लेंथी आ गई, तुम भी तो ऐसे बोलते हो ना, वो केमिस्ट्री का पेपर था मैडेटी में 50 क्वेश्चन का, 1.5 घंटा चाहिए तुमको। डन डन डन। यस सर। अभी ये याद तो रह जाएगा ना कि r बाय n की जगह x डालने का है, 1 बाय n की जगह dx डालने का है। ये मैंने जेई मेंस का PYQ उठाया क्वेश्चन। डन सबका, 5 लोगों का। यस सर। जिनका छूट गया तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये ना 2016-17 में आया था। कोई मुझे बस पहला स्टेप बताएगा तो मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। ये n के पावर n। अरे शाबाश यार, जुगल तो पहले से इंटेलिजेंट था क्या अभी हुआ है? आपसे पढ़ के बेटा, देखो सीखो, फीडबैक अभी रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये वो रिकॉर्डिंग चालू नहीं है सिर में, ये ना मैम को, विशाली मैम को भेज देना, ठीक है?
दोस्तों ये भैया ने देखो कैसे दिमाग लगाया, क्योंकि इसका ऐसा करने से होल पावर में क्या आ गया, एन आ गया। तो ऐसा जुगल फायदा फायदा क्या होगा ऐसा बेटा करने से? ओ आर बाई एन बन जाएगा। देखो जुगल क्या बोल रहा है कि सर जो एन टाइम आप लेकिन सबको एक एक एन पकड़ा दो, सोचो यही हुआ ना। तो जुगल बोला फिर ये आप वो प्रोडक्ट वाले में आ गए, आपने एल लिखा, आपने लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी लिखा, एन प्लस आर बाई एन, ये ना आप एन एन ये आप एन डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एन, तो होल की पावर वन बाई एन। अब स्टेप रट गए, तुमको दोनों तरफ क्या लोगे? लॉग 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 लोगे तो लिमिट समेशन प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा और वन बाई एन अंदर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा लॉग, और लिमिट कितनी हो जाएगी? जीरो से वन, जीरो से वन, वन बाई एन एंटर जीरो एन बाई एन वन। अब तो स्टेप बोलते जाओ स्टेप, तो लिमिट तो इंटीग्रल। अरे, अरे 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 मैं थोड़ा जल्दी एक्साइट नहीं हो गया बेटा अभी, मैं मुझे लिमिट किसकी लिखनी चाहिए थी? अब मैं निश्चय वाली समेशन की, अब कितनी होगी जीरो से लेके कितनी जाएगी वन, वन बाय एन की जगह बेटा क्या लिखूंगा मैं? dx और आर बाय एन की जगह। अब बताओ पंकज सर करेंगे कैसे? कर तो तुम भी सकते हो लेकिन पंकज सर कैसे करेंगे? माइनस वन कर, शिफ्टिंग। सर ने यहाँ पे शिफ्टिंग किया और अभी शायद log x का तो अभी थोड़ी देर पहले यूज हुआ कहीं log x minus x, तो कितना हो जाएगा लिमिट हो गए 2 ln 2 minus 1 होगा शायद तक। आई थिंक तुमने लिखा log l is equal to ln 4 और इसको लिखा ln e ln 4 by e, तो लिमिट का आंसर कितना आ गया बेटा? 4 by e। तो शीट में ना जैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो देख के कर लोगे ना? जिसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए तो पी वाई क्यू वाले में जाना, डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले में शीट में, तो ऐसे मिल जाएंगे तुमको। डन अभी सो जाओगे पढ़ोगे? अमन तो बोलता है सर अपन काम है तीन टाइम सोने का और सो के बीच में क्या देखने का यूट्यूब। नहीं सर अभी पढ़ने का प्रोग्राम है। पढ़ने का डन लिख लिया सब लोगों ने दोस्तों? यस चलो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो कल डिस्कस करेंगे तब। ये अभी आर बाय एन की जगह क्या डालोगे? एक्स। वन बाय एन की जगह क्या डालोगे? डीएक्स। और समेशन की जगह क्या डालोगे? खास कर ऐसे सवाल में देना कि एल की वैल्यू पूछिए लॉग की वैल्यू पूछिए, ध्यान रखना मेंस में इतने फंसाएंगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर द कक्षा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, गुड नाइट सर।